के साथ मैं दीपिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते फरीदाबाद की बड़ी खबर के साथ, जहां भारी बारिश के बाद फरीदाबाद में बिजली संकट गहरा गया है। पिछले 18 घंटे से फरीदाबाद में बिजली नहीं है। वल्लभगढ़ के ऊंचा सब डिवीजन में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। बिजली न होने से पानी का संकट भी गहरा गया। इधर लोग जो है गुस्से में आ गए हैं, प्रशासन पर लापरवाही का लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। तो 18 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं आई है, लोग परेशान हैं, भारी बारिश अलग इसकी एक वजह भी है। आपको ये भी बता दें कि अब और भी बारिश हो सकती है, क्योंकि 1 बजे के बाद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन सबके बीच आपको बता दें कि अब जो पीने का पानी है, इस्तेमाल का पानी है, उसको लेकर भी संकट गहरा गया है। वल्लभगढ़ के ऊंचा सब डिवीजन में सबसे ज्यादा हालात खराब बताए जा रहे हैं। तो बिजली न आने की वजह से पानी का संकट गहरा गया, लोग बेहद परेशान हैं, बाहर जाते हैं तो भारी बारिश है, सड़कों पर जलभराव है, घर में रहते हैं तो बारिश की वजह से आपको बता दें कि बिजली संकट गहरा गया है। 18 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं आई है और ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो फरीदाबाद में 18 घंटे से बिजली नहीं है, लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि संकट जो है लगातार गहराता जा रहा है। इधर सब डिवीजन जो है वल्लभगढ़ का, वहां पर भी ऊंचाहार का, वहां पर भी हालत बेहद खराब बताई जा रही है। तो देखिए सड़कों का हाल तो हम आपको दिखाई रहे हैं, देखिए सड़कों पर लगातार पानी जो है इस वक्त भरा हुआ है और भारी बारिश की चेतावनी 1 बजे जारी हो गई है। अब इसके अलावा ये भी बता दें आपको, चूंकि भारी बारिश हो रही है, इसी को चलते कहीं ना कहीं अब लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जब फरीदाबाद में लगभग 18 घंटे हो गए हैं, लोग अंधेरे में हैं और उनको अब बिजली की वजह से पानी का संकट गहरा गया है। पीने का पानी नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है, लोग अब बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। वल्लभगढ़ की बात करी जाए तो वल्लभगढ़ का जो ऊंचा सब डिवीजन है उसके हालत बहुत खराब है। अब आगे कब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी इसका जवाब कोई नहीं दे रहा, इसी के चलते लोग बेहद परेशान हैं। तो फरीदाबाद में बिजली का संकट गहरा गया है, सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त तालाबों में नदियों में तब्दील होती जा रही हैं, और ये भी आपको बता दें कि आगे भी ऐसी ही कंडीशन रहने वाली है, यही स्थिति आगे रहेगी। आज 1 बजे के बाद और भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इधर आपको बता दें कि प्रशासन ने तमाम कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनी है उनको कह दिया है कि आप तमाम जो कर्मचारी हैं आपके उनको वर्क फ्रॉम होम करवाइए, चूंकि जाम की स्थिति ना हो। लेकिन लोग घरों में भी रहें तो कैसे रहें, क्योंकि बिजली का संकट घेरा गया है। 18 घंटे हो गए हैं, बिजली नहीं है और बिजली की वजह से अब उनको इस्तेमाल करने के लिए पानी भी मयसर नहीं हो पा रहा, लोग अब गुस्से में नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तस्वीर के साथ साथ जरा आप देखिए फरीदाबाद में किस तरीके से बिजली का संकट गहराया हुआ है। ये देखिए सड़कें जो हैं इस वक्त तालाबों में तब्दील हो गई हैं और ट्रांसफार्मर कहीं जगह के फूक चुके हैं और जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता चूंकि लगातार बारिश हो रही है। वहीं 18 घंटे हो चुके हैं, अभी भी फरीदाबाद के जो वासी हैं उनको बिजली मयसर नहीं हो पाई है, इससे अब उनके सामने कहीं ना कहीं पानी का संकट गहरा गया है। तो इस्तेमाल करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग बेहद परेशान हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि प्राइवेट संस्थानों से सरकार की ओर से अपील की गई है कि आप तमाम जो कर्मचारी हैं उनको घर पर रहने दें, वर्क फ्रॉम होम करवाइए, चूंकि आगे भी लगातार भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो गुड़गांव और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं भारी बारिश की चेतावनी है और इसी के चलते हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कंडीशन आप देखिए फरीदाबाद में 18 घंटे हो चुके हैं और बिजली नहीं आई है और आगे कब बिजली आएगी इसकी भी संभावना नहीं है, प्रशासन इसके बारे में भी कुछ नहीं कह रहा, जिससे लोग अब बेहद खफा हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो पिछले 18 घंटे से फरीदाबाद में बिजली नहीं है, लोगों के सामने अब पीने के पानी की समस्या खड़ी हो गई है।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। देवेंद्र, 18 घंटे हो चुके हैं, अभी भी फरीदाबाद जो वासी हैं उनको बिजली व्यवस्था नहीं हो पा रही, आगे कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? क्या प्रशासन इसके बारे में कुछ बोल पा रहा है? इस वक्त क्या कंडीशन है देवेंद्र? जिस तरह से दो दिन से लगातार भारी बरसात हो रही है, तो एक तरफ जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, तो वहीं पिछले 18 घंटे से पूरे फरीदाबाद में लाइट की जो हालात है वो बेहद गंभीर हो चुके हैं। खासतौर से अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ के सब स्टेशन ऊंचा गांव में और ज्यादा बेहद स्थिति बेकार हो चुकी है, क्योंकि लगातार पिछले 18 घंटे से लाइट नहीं है और लाइट ना होने के चलते बरसात में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो रात को पूरी रात लोगों को अंधेरे में गुजारनी पड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बुरे हालात हो चुके हैं। लाइट को लेकर अधिकारियों का रटा रटाया जवाब जरूर मिल रहा है, फोन जरूर उठा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि जल्द ही लाइट को दुरुस्त कर दिया जाएगा। लाइन लीकेज की बात कर हर बार इसी तरह की स्थिति फरीदाबाद में बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस बार लगातार बारिश ज्यादा है, लेकिन जब भी कभी हल्की बारिश भी होती है तो यही हालात लोग सामना करना पड़ता है। खासतौर से अधिकारियों की तरफ से बेशक कहा जा रहा हो, लेकिन जनता परेशान है और ऐसे में सुबह सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में तमाम लोग अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आप बता रहे हैं, वैसे भी फरीदाबाद में जरा सी बारिश होती है तब बिजली की समस्या मुंह भाए होती है, अब लेकिन चूंकि लगातार बारिश हो रही है अब कैसे बिजली आई? कुछ पीछे आपके लोग नजर आ रहे हैं मुझे, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, आप उनसे जानिए किस तरीके से समस्या से वो जूझ रहे हैं। देवेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं एक तस्वीर पहले आपको दिखा देता हूँ, एक जल भराव की आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जल भराव सेक्टर 3 की स्थिति, देखिए यहाँ से किस तरह के हालात बन चुके हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है। ये तमाम लोग शिकायत लेकर कहीं ना कहीं अपनी उनकी शिकायत है अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं कि किस तरह के हालात है, कोई उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है? भारद्वाज जी, बिजली नहीं है 18 घंटे से, पूरी तरह से जल भराव हो चुका है शहर में, क्या कहेंगे? जल भराव तो ये वैसे थोड़ी सी बारिश हो जाती है, टैग और मोड पे हर बार होता है, और यहाँ पे जो है ना निकलने की दिक्कत है, घरों में गाड़ियाँ पर कर रखी है और घरों में पानी है नहीं। बिजली ना आने की वजह से क्या समस्याएं आ रही है? बिजली ना आने से पानी आ रहा है और जो है ना लोगों को काफी ज्यादा आ रही है। तो कोई अधिकारियों से कर्मचारियों से बिजली विभाग के आपकी बात हुई हो? SDO साहब से बात हुई थी, तहसील साहब से बात हुई, 11-12 बजे आए थे, इसके बाद एक दो घंटा आई है। बिल्कुल, स्टेटस क्या बता रही है, आप क्या कहेंगे? लगातार ब्लैक आउट जैसी स्थिति बन चुकी है, इतनी होगी आज तक कभी ऐसा ये मतलब माहौल नहीं था। अब ये कल से जो बारिश हुई है काफी बहुत दिक्कत हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही, घर में लाइट नहीं है और बाकी मतलब कहीं भी जा रहे हैं तो नाली गटर बहुत मतलब दो दिन से तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जब से ये बारिश हुई है ना। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बुजुर्ग महिला है वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है पानी में, लेकिन आप देखिए कितने डर की वजह से वो डर डर कर निकल रही है, क्योंकि फरीदाबाद के हालात बदतर हो चुके हैं और फरीदाबाद के हालात बदतर हम इसलिए बता रहे हैं कि कई घटनाएं सीवर के ढक्कन खुलने की वजह से हुई है, और ऐसे में अब जल भरा पूरी तरह से देखा जा सकता है, तो ऐसे में नहीं पता लोगों को कि कहां सीवर का ढक्कन खुला होगा और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसी के चलते लोगों में डर बना हुआ है। जाहिर सी बात है देवेंद्र, ये बहुत बड़ी लापरवाही नगर निगम के प्रशासन की भी है, चूंकि जरा सी बारिश होती है और फरीदाबाद की जो सड़कें हैं वह इस वक्त नदियों में तालाबों में तब्दील हो जाती हैं, और ऊपर से हम यूं कहें कि भारी बारिश की वजह से अब कहीं ना कहीं बिजली की समस्या भी उनके सामने खड़ी हुई है। इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे